शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी सौतेली माँ मुझे हमेशा डांटती रहती है। यह मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता साहिब। तो अगर तुम भी मेरे कॉल्स रिसीव नहीं करोगे, मैं फीलिंग्स किसके साथ शेयर करूंगी? तुम तो समझो ना एटलीस्ट। मैं तो कभी ऐसा नहीं करती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने कॉल किया हो और मैंने रिसीव नहीं किया हो। हाँ साहिब, पर तुम भी तो समझो ना। एक मिनट में कॉल बैक करती हूँ। कौन है? सचिन, नाश्ता लग गया है, आइए नाश्ता कर लीजिए। विभा, मैं जरा से भी तमीज नहीं है? किसी का फोन यूज करने से पहले पूछ नहीं सकती हो क्या? माँ, बस। हाँ, अब सुबह सुबह तुम रोना चालू कर दो, है ना, ताकि सबको लगे कि मेरी ही गलती है। माँ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, अब हर बार विभा की तरफ दारी मत किया कीजिए। बच्ची ने फोन नहीं तो लिया था, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? रो मत बेटा, आ इधर बैठो। रो मत बेटा, अब बताओ क्या हुआ? दादी, मैंने तो बस माँ का फोन लिया था, मुझे कॉल करना था, मेरे में नेटवर्क नहीं था। गुस्से तो कुछ होता नहीं और सारा गुस्सा बच्ची पर निकालती रहती है। एक मिनट, कि खुद से कुछ होता नहीं है? आप कहना क्या चाहती है माँ जी? सबको मालूम है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ना तो तुम्हें बच्चे पालने की अकल है, ना बच्चा पैदा करने की। इतने साल हो गए शादी को, फिर भी क्या माँ एक ही बात को पकड़ कर बैठ जाते हो? देखा सचिन, ये ना रोज का हो गया है, रोज मुझे इसी तरीके से ताने मारती है माँ जी। अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये सब ना इस विभाग की गलती है, इसी की बुरी नजर लगी है मुझ पे। इसमें विभाग की क्या गलती, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, समझी? अब ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बस करो माँ, महीने में 4-5 दिन तो मैं घर रहता हूँ, उसमें भी तुम दोनों झगड़ा करते रहते हो, तुम ही शांत हो जाओ ना। करो ना, चलो बेटा अंदर चलते हैं, वरना वापस ऐसा रोना धोना देखना पड़ेगा। रूना, तुम तो चुप ही रहो सचिन, तुम हर बार मुझे ही समझाते हो, कभी तो मेरी साइड लेके बात किया करो। मैं क्या करूं करूना, तुम ही बताओ। देखो सचिन, मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे शांति चाहिए ताकि दवाइयों का प्रोग्रेस हो, पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बेटी। करूना मेरी बात को समझो, माँ को तो मैं दिनेश के पास कुछ दिनों के लिए छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन विभा को तो नहीं छोड़ सकता ना, वो मेरी बेटी। मैं एक काम करता हूँ, मैं जब ट्रिप से लौट के आऊंगा ना, तो उसके बाद कुछ इसका सलूशन निकाल लेंगे, जब तक तुम प्लीज हैंडल कर लेना। क्या हुआ बेटी? पापा, तुमने दूसरी शादी क्यों की?
अपना ख्याल रखना। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, शालिनी जब गुजर गई तुम बहुत छोटी थी और मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। सचिन भी बहुत शांत रहता था। तुम्हें और तुम्हारी परवरिश को कोई कमी ना पड़े और तुम्हें माँ की ममता मिले और सचिन को भी उसकी जिंदगी में कोई साथी मिल सके, इसके लिए उसने करुणा से शादी की। पिताजी माँ तो मुझे पसंद ही नहीं करती है, हर बार चिल्लाती रहती है, सच में इतनी बुरी हूँ? नहीं रे मेरी प्यारी गुड़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन हर इंसान तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकता ना। विभा तुमने करुणा को अपना लिया है, लेकिन करुणा ने अभी तक तुम्हें नहीं अपनाया है। देखो बेटा तुम्हें जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें डांटेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन तुम्हें अपना अच्छापन कभी भी नहीं खोना है, हर परेशानी का सामना करना है। जो करना है ना, ये भी तुम्हारी जिंदगी की एक परेशानी है, तुम्हें इसे भी पार करना होगा, समझी? और हर बार तुम्हें समझाने के लिए मैं नहीं रहूंगी बेटा, मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? सचिन अभी जस्ट चला गया है, बुकिंग हुई क्या? करुणा मैं ना थक गया हूँ होटल में मिल मिलकर, और मेरे पैसे भी खर्च हो चुके हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम घर पर ही कुछ इंतजाम कर लो। देखो यार मेरे पैसे भी बच जाएंगे। तुम क्या पागल हो गए हो? हाँ घर पे वो बुड्ढी और विभा दोनों हैं, और देखो ये घर पे मिलना ना मुश्किल है, तुम कोई होटल ही देख लो, और तुम्हें तो सब मालूम है फिर भी तुम। करुणा प्लीज बात को समझो यार। लिसन करुणा, मेरे पास एक प्लान है। कल जब विभा कॉलेज चली जाएगी ना, तब बुड्ढी को नींद की गोलियां खिला दो और मुझे कॉल करो। बुड्ढी को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, और टेंशन मत लो। बस कल दोपहर में बुड्ढी को नींद की दवाइयां लेकर सुला दो। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, पर अगर जरा सा भी बुड्ढी को शक हुआ ना तो फिर ये प्लान कैंसिल। करुणा सुनो, हेलो जी। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आपके दोपहर की दवाई का टाइम हो गया था ना, सचिन ने बताया मुझे कि आप दोपहर में आयुर्वेदिक काढ़ा लेती हैं, इसीलिए रख दो। अभी ले लीजिए ना, बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगा तो
ये क्या, यहाँ अच्छे से जॉब करने को भी नहीं मिलता। दे दो। रुको। जी अभी मैं सोने वाली हूँ, तो दोबारा तंग करने मत आ जाना। ठीक है माँ जी। हेलो। हाँ जल्दी से आ जाओ, बुढ़ी सो गई है। आलीशान घर है तुम्हारा? शांत रहो, बुड्ढी बगल में ही है। अरे अभी कौन आ गया? रुको जरा मैं देख के आती हूँ। विभा अरे जल्दी उठो। क्या हुआ? जल्दी उठो ना। अरे क्या चलो। हुआ? चलो जल्दी। कौन है? तुम बैठो मैं देखती हूँ। तुम फिर कॉलेज बंक करके घर आ गई? हाँ नहीं माँ, सर में दर्द हो रहा था ना इसलिए। हाँ कभी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होता है तो कभी कुछ और तुम्हारे ऐसे नाटक चलते रहते हैं ना। अब तुम रोना चालू कर दो है ना, पढ़ाई लिखाई तुमसे होती नहीं है, बस रोना आता है। अब जाओ और हाथ मुंह धोकर के खाना खाओ, और नहीं खाना है तो अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। अब जाओ भी। करते हैं ना। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो सचिन को बता देगी, इससे पहले कि बुढ़िया उठे। तुम जाओ यहाँ से। This is not fair यार, ऐसा भी कोई करता है क्या? तुम प्लीज बात को समझो, जाओ यहाँ से। Please. नहीं ना, प्लीज तुम बात को समझो, अभी जाओ यहाँ से। प्लीज 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 जाओ यहाँ से, जाओ। पागल हो गई हो क्या करना? धीरे बोल गौरी, तुम्हें सुन लेगा। अरे आंटी जी को कुछ हो जाता तो, और विभा पर इस तरह से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? तुम भी ना कुछ समझते ही नहीं हो। क्या समझना है इसमें? हाँ मैं ना सिर्फ माँ बनना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उफ़ वो करना, तो एक काम कर, तो पहले बैठे यहाँ पे आराम से। तू इधर बैठ। देख मैं मानती हूँ कि हम दोनों अभी अभी के दोस्त हैं, लेकिन मेरी एक एडवाइस तो अच्छे से सुन ले। अगर तू ऐसे ही बिहेव करती रही ना तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मतलब देख, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, तू ना बस अपने घर वालों को खुश रखा कर, विभा से आंटी जी से अच्छे से बातें किया कर। अपना फ्रस्ट्रेशन इस तरह से अपनी फैमिली पर निकालना बहुत गलत बात है। मैं क्या करूँ, मेरा गुस्सा दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक ऑप्शन है मेरे पास, मेरे पहचान के एक गायनेकोलॉजिस्ट है, हम उन्हें मिलने चलते हैं।
तब तक तू बस अपने घर में शांति बनाए रख, ताकि तुझे भी फ्रस्ट्रेशन ना हो। अब जैसा मैं बोलती हूँ ना, तू बस वैसा ही करते जा, फिर तुझे वही मिलेगा जो तुझे चाहिए। जय श्री कृष्ण आंटी जी, कैसी हैं आप? जय श्री कृष्ण बेटा, मैं बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बस ऊपर वाले की कृपा है। एक कप चाय? हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। आंटी जी, मैंने सुना है कि आप दिन भर जाप और पूजा करती हैं। हाँ बेटा, अभी तो जिंदगी भगवान के सहारे ही काटी जा सकती है ना। वो तो है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस उम्र में आपको बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहिए? क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, पर हमारे भाग्य में शायद ये सुख है ही नहीं। आंटी जी, ऐसा बस आपको लगता है, मेरे पास इसका भी इलाज है। देखिए, करुणा की दवा तो चली रही है, लेकिन उसे दवा के साथ साथ आपकी दुआ की भी जरूरत है। मतलब हमारे एरिया में एक ऐसा मंदिर है जहाँ मांगी हुई हर दुआ पूरी हो जाती है। आप घर में बैठकर जाप करती ही है, तो उसकी जगह आप मंदिर में बैठकर जाप करिए ना, ताकि आपकी इच्छा जल्दी से पूरी हो जाए। और अपने साथ साथ विभा को भी लेके जाया करिए मंदिर, ताकि उसका भी मन शांत रहे। बात तो तुम सही कह रही हो बेटी, तुम करुणा की बहुत पुरानी दोस्त हो ना, तभी तो इतने अच्छे तरीके से उसकी तरफदारी कर रही हो। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। विवा बेटा, यहाँ आना। हाँ। विवा बेटा, मुझे पता है कि करुणा आपको बात बात में डांटती है, लेकिन उसकी डांट के पीछे छुपा प्यार आपको दिखाई नहीं देगा। आपसे जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी बात भी वो मुझे बताती है। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि उसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, और कल से दादी जी के साथ मंदिर जाया करना। जी हाँ, वेरी गुड। हेलो, हाँ सर, आपका काम बस 2-3 दिन में हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक मिनट सर। आंटी जी, मैं कल आती हूँ, ठीक है? ओके विवा बेटा, बाय। हाँ जी सर, बोलिए सर। देखिए करुणा जी, आपके रिपोर्ट्स देखकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं लग रही। हाँ, बट एक ऑप्शन है, टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम आपके ओवरी से ओवम लेकर और सचिदनी के स्पर्म्स लेकर उसे लैब में फर्टिलाइज करें। ये एक सक्सेसफुल तरीका है। और पर क्या डॉक्टर? ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, आप चाहें तो अपने पति से एक बार बात कर लीजिए। फिर भी डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली क्या अमाउंट आएगा? 2.5 से 3 लाख तक। आप एक बार सचिन जी से बात कर लीजिए, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। अरे विवाह बेटा, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हाँ दादी, आई। एक मिनट। चलो माँ जी, रुकिए। ये लो विवाह, इसे ठीक से पकड़ना। मैंने खुद अपने हाथों से खीर पूड़ी बनाई है मंदिर में दान करने के लिए। ध्यान से बांटना सबको, ठीक है विभा? चलो बेटा। अरे बेटा आओ ना। नहीं मम्मी, आप बात कर लो, मैं बाद में आती हूँ। ये सब कैसे हुआ? घर का पूरा माहौल ही बदल चुका है। पापा आपको पता है, अब जब से ट्रिप पर गए हो ना, तब से मम्मी मुझे बहुत लाड प्यार से करती है। प्यार? मैं बीच में हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई थी, तब मम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अरे मैं भी अपने बारे में ही बोलते रह गए। आप दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। गुड नाइट। पूरा माहौल तुमने चेंज कर दिया है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, अब मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है।
लेकिन सचिन आप कल ही चलकर ना डॉक्टर से बात कर लीजिए। हाँ कल ही चलकर बात करेंगे, ठीक है।